नमस्कार राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है आइए जानते हैं अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बद रही है इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी तो आप सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को, को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आगामी चौबीस घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बद रही है विशेष जोधपुर पाली बा, संभाग कुछ कोटा अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों पर दौरान जैसलमेर से लेकर बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू सीकर झुंझुनू के क्षेत्र है यहाँ पे कई सारे क्षेत्रों पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली अधिकतर क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क भी रहा हाँ, जबकि जैसलमेर और सम के आसपास के क्षेत्रों पर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई कुछ क्षेत्रों पर ओलावृष्टि के दौरान जैसलमेर ले से लेकर बीकानेर अनूपगढ़ के क्षेत्र है यहाँ पे हवा की गति हल्की से मध्यम गति की रहेगी विशेष तौर पे 25 किलोमीटर के आसपास में औसतन हवा रहने की संभावना रहेगी बीस में जोके हैं वो 30 से 35 किलोमीटर के आसपास में भी देखने को मिल सकते हैं जबकि दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र और कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्र हैं यहाँ पे आज हवा की गति में कुछ बढ़ोतरी कल के मुकाबले देखने को मिलेगी और यहाँ पे हवा की गति है वो 40 से लेकर 45 किलोमीटर के आसपास में भी झोंके देखने को मिल सकते हैं जबकि स्थिर हवा है वो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास में देखने को मिलने वाली हैं जबकि पाली संभाग कुछ जोधपुर संभाग बांसवाड़ा संभाग के उत्तरी क्षेत्र कुछ कोटा संभाग के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कुछ अजमेर संभाग और जयपुर संभाग के क्षेत्र है यहाँ पे अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा आगामी 48 घंटों के दौरान बाड़मेर के दक्षिणी भाग बालोतरा के दक्षिणी भाग इससे लेकर सांचौर के लगभग सभी क्षेत्र जालोर से लेकर सिरोई के उत्तरी भाग पाली जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्र नागौर के दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र कुछ कुछ डीडवाना कुछ के क्षेत्र अजमेर से लेकर केकड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा चित्तौड़ के क्षेत्र हैं कुछ बूंदी कोटा के क्षेत्र सवाईमाधेपुर से लेकर गंगापुर सिटी करौली दौसा के कुछ क्षेत्र कुछ राजधानी जयपुर जयपुर ग्रामीण दूदू के कुछ क्षेत्र हैं यहाँ पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी अगले चौबीस घंटों के दौरान बारिश का मुख्य प्रवाह है वो लगभग पाली और राजसमंद कुछ ब्यावर के आसपास में देखने को मिलने वाला है जिसमें पाली से लेकर रानी बाली फालनाथ अखतगढ़ मारवाड़ जंक्शन सोजत के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ से लेकर कुछ गुंदोज स्वायमाधेपुर आमेठ के आसपास के क्षेत्र हैं भीलवाड़ा से लेकर शाहपुरा चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों पे देखने को मिले वाला है सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां आज शाम से लेकर रात्रि के समय पाली बारिश की गतिविधियां अगले चौबीस घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही है जबकि जालोर के उत्तरी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो कि पाली से सटे हुए हैं यहाँ पे भी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी कुछ बौछारों वाली गतिविधियां या फिर मेघ गर्जना वाली आज रात्रि के समय से लेकर अगले 48 घंटों के दौरान के क्षेत्र में भी देखने को मिल सकती हैं ब्यावर के भी अधिकतर क्षेत्रों है दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी जबकि अनूपगढ़ से लेकर गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू बीकानेर के क्षेत्र कुछ जैसलमेर फुलौदी के क्षेत्र है यहाँ पे आंशिक रूप से कुछ क्षेत्रों पे बादलवाई देखने को मिलेगी और कुछ क्षेत्रों पे हल्की भूस्खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं अधिकतर क्षेत्रों पे मौसम बादलों की आवाजाही के बेस में शुष्क रहेगा हवा है मध्यम गति से चलती रहेगी यानी पहले भी मैंने कहा है औसतन यहाँ पे हवा की जो गति है वो 25 से 30 किलोमीटर के आसपास में देखने को मिलेगी अधिकतम जो हवा के झोंके हैं वो 35 किलोमीटर के आसपास में भी दर्ज हो सकते हैं जबकि बीस वाला जो ये वाला ग्राफ है यहाँ पे हवा है मध्यम से तेज रहेगी और यहाँ पे अधिकतम हवा है वो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास में देखने को मिल सकती हैं बाकी औसतन हवा की स्पीड है वो 30 किलोमीटर के आसपास में अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी जैसे ही शाम का वक्त होगा तो हवा है यहाँ पे रुकेगी और एक मेक्रो क्लाइमिक स्थिति भी पाली से लेकर कुछ राजमंद भीलवाड़ा और शाहपुरा के आसपास में बनी हुई है यानी एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी और इस दौरान हवा है वो अलग अलग दिशा से घूमती हुई देखने को मिलेगी और उसी दौरान शाम के समय यहाँ पे गर्जना वाले बादलों का निर्माण होने की प्रबल संभावनाएं बढ़ रही हैं वैसे आज सुबह से ही हवा की गति मध्यम चल रही है और हवा के साथ में तेज गति से आगे बढ़ते हुए बादल भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन इन बादलों का अभी कोई ठहराव नहीं होगा दोपहर के बाद में और शाम के समय जब हवा की गति रुकेगी उस दौरान यहां पे बादलों का ठहराव होगा और कई सारे क्षेत्रों में रिम बारिश की गतिविधि होने की संभावना रहेगी तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही मिलेंगे अगले बुलेटिन में दोपहर को ढाई बजे में एक और बुलेटिन लेकर आऊंगा और उसमें विस्तारित रूप में एकदम सटीक तत्कालीन मौसम जानकारी दूंगा तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम